डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखें दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है ट्रेड यूनियन। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह चर्चा में क्यों रहा। देश भर में ट्रेड यूनियंस लेबर कोड बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। आइए जान लेते हैं ट्रेड यूनियन का क्या तात्पर्य है। ट्रेड यूनियन किसी भी क्षेत्र में श्रमिकों का एक संगठन है जो अपने सदस्यों के लिए काम करते हुए प्रबंधन और श्रमिकों के बीच एक कड़ी प्रदान करते हैं। ये स्वैच्छिक संगठन होते हैं, इन्हें श्रमिक संघ भी कहा जाता है। इनका निर्माण श्रमिकों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार करने के लिए किया जाता है। ये अपने सदस्यों के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे उचित वेतन, काम का अच्छा माहौल, काम के घंटे इत्यादि। आइए देख लेते हैं इसके कार्यों को। वेतन और शर्तों पर नियोक्ताओं के साथ बातचीत, कार्यस्थल में बड़े पैमाने पर होने वाले बदलावों पर चर्चा, नियोक्ताओं के साथ सदस्यों की चिंताओं पर चर्चा, अनुशासनात्मक और शिकायत बैठकों में सदस्यों का साथ देना, सदस्यों को कानूनी और वित्तीय सलाह प्रदान करना, शिक्षा सुविधाएं और कुछ उपभोक्ता लाभ जैसे रियायती बीमा प्रदान करना आदि। आइए देख लेते हैं इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को। संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 19(1) का ग सभी नागरिकों को संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार देता है। आइए एक नजर डालते हैं भारत में ट्रेड यूनियन के इतिहास पर। साल 1874 में शशिपाद बनर्जी ने भारत श्रमजीवी नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। एनएम लोखंडे ने 1880 में दीनबंधु साप्ताहिक पत्रिका निकाली और 1890 में बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। भारत के पहले ट्रेड यूनियन की स्थापना मद्रास लेबर यूनियन के रूप में 1918 में बीपी वाडिया ने की थी। साल 1920 में महात्मा गांधी ने मजूर महाजन संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य श्रमिकों और मालिकों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाकर समाज सेवा करना था। साल 1920 में बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यह भारतीय श्रमिकों का प्रधान संगठन था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल थे एनएम जोशी, बीपी वाडिया, दीवान चमनलाल आदि। साल 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर के बहिष्कार के मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ। इसी दौरान वीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। दूसरा विभाजन साल 1931 में हुआ जब कम्युनिस्टों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को छोड़ दिया। आइए जान लेते हैं ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के बारे में। भारतीय ट्रेड यूनियन विधेयक को मार्च 1926 में सहमति दी गई थी। 1 जून 1927 को यह भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के रूप में लागू हुआ था। साल 1964 में इसमें संशोधन कर भारतीय शब्द को हटा दिया गया। इस अधिनियम का विस्तार पूरे भारत में है। यह अधिनियम ट्रेड यूनियन से संबंधित सभी मुद्दों जैसे पंजीकरण, व्यापार विवाद निर्णयन, व्यवसाय संघ के नियम आदि को संदर्भित करता है। यह एक्ट श्रमिकों और उद्योगपतियों दोनों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। आइए अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में संगम या संघ बनाने का अधिकार दिया गया है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 19(1) का क, अनुच्छेद 19(1) का ख, अनुच्छेद 19(1) का ग, अनुच्छेद 19(1) का घ। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।